अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों, अगर अपनी ज़िंदगी आप संवारना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तालीम पर तवज्जो दें कि आप लोग अपनी तालीम मुकम्मल करें। तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का होना बेहद ज़रूरी है कि आप कुरान पाक, सबसे पहले कुरान पाक पढ़ें, मतलब ख़त्म करें। इसके अलावा जो है ना, दीन के जितने भी उलूम है उसमें आप इंटरेस्ट ले। इसके साथ साथ दुनियावी इलम का होना भी ज़रूरी है। आप लोग अपने एजुकेशन में आए, क्योंकि दुनिया आखिरत और दुनिया दोनों लाजिम मलजूम है। जब आप लोगों का अल्लाह ताला के साथ रब्त होगा तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। तो इसलिए अपने तालीम पर भरपूर तवज्जो दे, फिर जिस फील्ड में भी आप जाना चाहे, अल्लाह ताला ने आपके तकदीर में, मुकद्दर में जो चीज़ लिखी है वो आपको मिल कर रहेगी। लेकिन इसके लिए जो है इंसान का इरादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इरादे के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं। जब इंसान एक मकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला की मदद से और वालिदैन की दुआओं की बदौलत उस मकाम पर पहुँच जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और कोशिश करें, क्योंकि मेहनत के अलावा जो है ना कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि, क्योंकि हदीस मुबारक है अलकासिब व हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। तो इसी ट्रेंड पर चलते हुए हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए खुद एतमादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इरादा मजबूत हो। और इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आपके लिए हज़ारों रास्ते खुले रहेंगे। बस अपने इलम की बदौलत अपने लिए रास्ते तलाश करें, और अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इखलाक अच्छा हो, आपका उठना बैठना अच्छे दोस्तों में हो। न कि बुराई से बचने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी कंपनी का इंतखाब करें, अपने वालिदैन के लिए भी और पूरे माशरे के लिए आप एक अच्छा इंसान बनकर जिए। वसलाम।